क्षेत्र का विकास स्थानीय जनता की सुविधा के मद्देनजर काफी आवश्यक है, लेकिन कई मामलों में धीमी गति से चल रहा विकास कार्य जनता के लिए अभिशाप भी साबित होता है। कुछ ऐसा ही प्रकार नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सुयोग नगर चौक पर घटित हो रहा है, जहां धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला। सुयोग नगर चौक पर पिछले 2 महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके दौरान बने गड्ढे के कारण आवाजाही कर रहे लोग साथ ही साथ स्थानीय जनता परेशान हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इस गड्ढे में गिरकर एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसके चलते यह गड्ढे को बुझाया गया, लेकिन फिर निर्माण कार्यान्वित किया गया, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर इस गड्ढे से टकरा कर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं तो सीपेज का पानी जमा होने से संबंधित क्षेत्र में दुर्गंध बढ़ रही है। इस मंजर के चलते जनता के बीच नाराजगी का माहौल है। इस वक्त हम यहाँ पर सुयोग नगर चौक पे खड़े हैं, जहाँ पर कई महीनों से एक गड्ढा खुदा हुआ है नागपुर महानगर पालिका की तरफ से। यह गड्ढा अब इतना डेडली हो चुका है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे यहाँ के नागरिकों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ये जो मेन रास्ता जो चल रहा है, जो इनर रिंग रोड है, वहाँ की वाहतूक जो है उसको भी तकलीफ हो रही है। यहाँ के नागरिकों को जो तकलीफ हो रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तकलीफ इनको इस गड्ढे की वजह से हो रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं सर, जरा बताइए कि ये गड्ढे की वजह से क्या तकलीफ हो रही है? सर अभी फिलहाल 15-20 दिन हो रहे हैं, अभी दो महीने पकड़ लो जी। ये पूरा गड्ढा खोद कर रखे उन्होंने, और यानी 2 दिन काम करते, 3 दिन काम करते, 5 दिन बंद रखते, 2 दिन काम करते, 5 दिन बंद रखते। इसके वजह से जो ट्रैफिक अपना ट्रैफिक जो है उसमें बहुत दिक्कत जा रही है। लास्ट टाइम यहाँ पे एक जन का एक्सीडेंट भी हो गया, लेडीज़ का शायद, दो बार हुआ है यहाँ पे, दो बार इसी के वजह से हुआ है। दो बार एक जेंट्स का एक्सीडेंट हुआ और एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ, और लेडीज जो थी उनकी वो एक्सपायर्ड हो गया, जगह पे हो गया वो, तो उसके वजह से इतनी दिक्कत जा रही है। और नाला ये ऐसा गंदगी हो रही है, इसमें बास आ रही है, पूरे नाले की बास आ रही है इसमें, फिर भी ये लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे। 10 बार बोलने के बाद में भी शिकायत, 2-3 बार बोला है, 2-3 बार उनको बोला है, लेकिन फिर भी वो ध्यान उतना ध्यान देते हैं, उसके बाद में 2 दिन और काम बन रखते हैं। मैं मोहर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो गंदगी है वो कैमरे में एक बार ये गटर लाइन की गंदगी दिखाए। मेन गटर लाइन है। एक और सज्जन हमारे साथ में है जो इसी जगह पे रहते हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या तकलीफ इनको हो रही है। ये मेन गटर लाइन है यहाँ की, जो पूरा गंदगी बास आती है, हमारी फैमिली यहाँ से जाना आना नहीं कर पा रही है इसके बास से, और ट्रैफिक भी इतना जाम हो रहा है कि हम लोग भी यहाँ से पैदल भी नहीं चल पा रहे। कल एक आदमी भी यहाँ से गिरते गिरते बचा है। तो ये जो गड्ढा यहाँ पर हम ये देख रहा है, ये काफ़ी पुराना है, कई महीनों से यहाँ पर काम चल रहा है। प्रशासन की कार्रवाई इतनी संत गति से चल रही है कि वो कभी काम होता है कभी नहीं होता है। जो आपने अभी जो चित्र आपको दिखाया गया उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का माहौल है, ये तो एक बात है, लेकिन यहाँ से आम तौर पर आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, और दुर्घटनाओं के चलते एक जान भी चली गई है, कई डेडली और छोटे बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी दुर्घटना भविष्य में ना हो, इसलिए तुरंत इस गड्ढे का बुझाना जरूरी है। जो भी यहाँ पर काम पेंडिंग पड़ा है वो जल्द से जल्द हो जाना जरूर है। कैमरा पर्सन मोहर के साथ में रत्नाकर मलिक, NBC News के लिए।